इतनी दूर आ गए, मैं क्या करता, चाय पीने चलते। तो पिलाएगा चाय? है? चाय पिलाएगा? मेरे पैसे में से काट लेना। हेलो गाइस, मैं न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और ये वारिस भाई हमारे हैं जो भैंस लेकर के जा रहे हैं कहीं और शिफ्ट करने के लिए। तो आज से फिर से एक न्यू वीडियो में, जो कि मैं भी जो इस मोहल्ले में मैं जा रहा हूँ टूटे फूटे रोड से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा कैसा रास्ता है। ये सब देख सकते हैं कि कितना गजब का बना हुआ है। तो और एक और बात, अगर हमारी वॉइस सही आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हाँ ठीक है। और यहाँ को बनाने का वजह यही है कि ये जो टूटे फूटे रास्ते हैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो लोग देखेंगे कमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आएगा तो उसी हिसाब से यहाँ का अप्लाई किया जाएगा रास्ते बनने के लिए। तो अकेले में कुछ नहीं हो सकता है, इससे हमारे दोस्त लोग हैं बहुत ज़्यादा सिफारिश किए कि भाई साहब इस रोड का ब्लॉग बना करके डालो, ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसीलिए इस रास्ते का ब्लॉग शूट किया है। और अभी हम चल रहे हैं थोड़े थोड़े रास्ते से, मतलब टूटे हुए रास्ते से धीरे धीरे। तो आगे चल के देखते हैं कि कितना दूर तक ख़राब रास्ता, मुझे तो मालूम नहीं, मैं इस रास्ते से पहली बार आया हूँ। और अभी तो खैर सब खराब ही है, सही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बारिश में कुछ ज़्यादा दिक्कत होते होंगे यहाँ पे, बट परेशान होने के कारण लोग यही बोल रहे हैं कि भाई साहब जरा डालो। तो अरे मेरे को भी कुछ कहना था, टेंशन ना लो विनोद भाई, अगले मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा ना तो भाई सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। अब वोट तो दो मुझे भाई, मैं तो इस मोहल्ले में रहता नहीं हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई नहीं, यहाँ से अच्छा रास्ता आ चुका है तो मैं भी आगे निकल रहा हूँ और देखता हूँ कि मतलब वॉइस कैंसिलेशन कहाँ तक सही लगता है। इस जगह पर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि गड़बड़ कुछ ज़्यादा होते हैं इस, मतलब इस वॉइस के लिए मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बना चुका हूँ मैं अभी, बट किसी में सही नहीं आया है। किसी में सही भी आया है तो वही देखता हूँ कि मतलब इसमें कैसा आ रहा है। सेटअप कर रहा हूँ, सेटअप सही हो जाएगा उसी जगह पे रोक दिया जाएगा, वहीं पे सेटअप चालू, मतलब हमारा सेटअप वहीं से मतलब रोक देंगे उसी पे कर करके, मतलब उससे ब्लॉग हमारे आते रहेंगे। और अभी सेटअप करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इस वजह से मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और हमारा ये जो रास्ता है आप जान ही सकते हैं कि मतलब इस रास्ते पे कितना चौड़ा रोड है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 8 से 9 फीट का ये होगा समथिंग। और इस पर चलने वाले तो बहुत सारे लोग चलते हैं और जो हमारे गाड़ियाँ चलती हैं डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आती जाती रहती हैं, तो उसको दिक्कत हो जाता है, जाम भी लग जाते हैं ज़्यादा। तो आज का टॉपिक था यही, मतलब टूटे फूटे रास्ते की। और मैं अभी चल रहा हूँ चौराहे की तरफ। तो आज कहाँ तक चलेंगे? तो अभी हम रोड पर पहुँचने वाले हैं, रोड पर पहुँच करके ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, बस छोटी मोटी वीडियो होगा, बट वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस वीडियो में, इसलिए मैंने सेटअप करके रखा है। तो अभी चौराहे पर चल करके दिखाते हैं हम आपको। A few moments later. तारे चाने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखे आ, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई। इतनी दूर आ गए, मैं क्या करते, चाय पीने चलते। तो पिलाएगा चाय? है? चाय पिलाएगा? मेरे पैसे में से काट लेना। बड़ा हरामी हो, पैसे में से काट लेना। उसी में तो चाय हो जाएगी, उसी में देखा जाए हो जाएगा। ये सब होशियार दोस्त हैं। चलाक बदल लिया। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ बुद्ध के चौराहे पे। तो आपको दिखाता हूँ इसमें रिव्यू कैसा दिखता है नाइट में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कोई खास भीड़ नहीं है, और ये भीड़ लगता है करीब 6 से 7 बजे के बीच में। आपको पता होगा हमारे वीडियो में आपने बहुत बार देखा होगा इस समय की भीड़ कितना होता है।
और वैसे भी ये दिन में सुबह भी होता है तो दोपहर में नहीं होता है, और इसमें बज रहे हैं 10:15 तो इसलिए भीड़ नहीं होगा। और अभी हम चल रहे हैं पुल के नीचे से आगे क्रॉस करते हैं जो कि आलमनगर रोड पर, तो यहाँ पर अभी हमारा एक पड़ता है मंदिर गुप्तेश्वर का। कहाँ पकड़ेगा कहीं पर रोक दें देखो भाई से। तो गाइस इस वीडियो को हम इसे एंड करते हैं, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक करें।